हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको आरसीएम ऑन सर्विसेज का प्रैक्टिकली वीडियो बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिकली हम कैसे आरसीएम को अप्लाई करते हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने पीपीटी में आपको समझाया था कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, किसको पे करना होता है और कैसे हम इसका पेमेंट का इसका प्रोसेस होता है और कैसे हमें रिफंड इसमें मिलता है। ये सारा कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम इसी टॉपिक पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम आरसीएम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो चलिए हम आरसीएम की बात करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया था लिंक जिसमें गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट थी। आरसीएम किन किन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है वो लिस्ट अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आरसीएम अप्लाई होता है। तो चलिए हम ऐसे ही सर्विसेज का एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे लीगल सर्विसेज हो गई, एडवोकेट सर्विसेज हो गई, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर हमारी जो आरसीएम है वो अप्लाई होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लीगल सर्विसेज का ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लीगल सर्विसेज ले रखी है किसी पार्टी से, तो हमें एंट्री कौन से वाउचर में करनी होगी? F9 में हम एक एंट्री पास करते हैं। मान लीजिए मैंने सप्लाई इनवॉइस नंबर 101 ले लिया और फर्स्ट मे को हम एंट्री कर रहे हैं। पार्टी अकाउंट जिससे आपने सर्विसेज ली होंगी वो आप एक पार्टी का नाम बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने सिंगल एसोसिएट से अंडर सन्डी क्रिएटर्स मैंने सर्विसेज ली हैं और यहाँ पे सेम स्टेट लेके इनको अंडर अनरजिस्टर्ड ले रही हूँ रजिस्ट्रेशन टाइप में। पर्टिकुलर्स में आप यहाँ पे सर्विसेज का नेम बना लेंगे। अगर मान लीजिए आपके इस इनवॉइस में ऑल्ट आई नेम ऑफ आइटम हुआ होगा तो हमें यहाँ पे आइटम की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सर्विसेज चाहिए, तो आप ऑल्ट प्लस आई करके बता सकते हैं और यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर्स आ जाएगा और यहाँ पे आप एक्सपेंस का लेजर बना लेंगे जो आपके लीगल एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट हो जाएगा और यह आपका एक्सपेंस है इसलिए इसको हम अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। इस जीएसटी एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को आपने यहाँ पे येस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास सारे ऑप्शंस नहीं शो हो रहे हैं तो आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है और आपने इन सभी ऑप्शंस को येस कर देना है। अगर आप येस कर दोगे तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं। HSN कोड हम ले लेते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हम परचेजेस कर रहे हैं, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर और टैक्सेबल सर्विसेज हैं तो यहाँ पे, लेकिन ये रिवर्स चार्ज के अंदर अप्लाई होंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो आपने इसको येस कर देना है क्योंकि आपकी ये जो सर्विसेज हैं वो रिवर्स चार्ज के अंडर एप्लीकेबल होती हैं। और यहाँ पे हम टैक्स को डिफाइन कर देंगे कि कितना परसेंट टैक्स आपका इन सर्विसेज पे लगता है और उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आप लेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट आ रहा है कि आपने कितना अमाउंट का सर्विसेज लिए है। मान लीजिए मैंने 50,000 रुपीज की सर्विसेज ली है तो अब मैं अगर यहाँ पे टैक्स का एक लेजर क्रिएट करती भी हूँ तो यहाँ पे बच्चे देखिए जो टैक्स का लेजर है वो आपका नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे टैक्स मैंने लिया भी है तो भी यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेट होता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि ये रिवर्स चार्ज के अंडर आता है, तो इसलिए यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। आप ऑल्ट ए कर तो टैक्स तो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 99% 4500 टोटल 9000 रुपीज आपका अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये जो टैक्स अमाउंट है ये आपका रिवर्स चार्ज के अंडर शो होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसको एक्सेप्ट कर हम DOG2 करेंगे तो हमारे पास GSTR2 की रिपोर्ट्स आ जाएंगी और हम यहाँ पे 31 मई तक रिपोर्ट्स देख लेंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस के अंदर आपका 50,000 का अमाउंट शो हो रहा है क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड इनवॉइस है और ये आपका रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई है। आपने रिवर्स चार्ज में इसको पे करना है 9,000 रुपीस को, तो इट मींस कि ये अब आप ही के पास आ गया टैक्स घूम के, मतलब आप ही गुड्स परचेज करें और आप ही ने सर्विसेज लिए और आप ही को ही टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना है, तो उसके लिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करनी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे बैलेंस लाइबिलिटी शो हो रहा है कि आपने अभी बुक करना है इसको, तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं ऑल्ट जे फॉर स्टैट एडजस्टमेंट और यहाँ पे आ रहा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। तो देखिए यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में एडवांस में पहले मतलब पे कर रही हूँ जिसमें जो कि मेरा रिफंड हो जाएगा, तो ये मेरे लिए करंट एसेट हो जाएगा। टोटल जो मैं टैक्स पे करूंगी वो मैं करूंगी
9000 रुपीस रिवर्स चार्ज के अंडर, जिसमें से सीजीएसटी जो होगा वो है 9%, कितने पे 50,000 रुपीस पे, जो कि मेरा हो जाएगा 4500। और नेक्स्ट है एसजीएसटी, ये भी मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा अंडर जीएसटी, स्टेट टैक्स 9% 50,000 पे। ये देखिए ये अमाउंट मेरा 9000 हो गया एज अ लाइबिलिटी। तो आपने यहाँ पे बैलेंस लाइबिलिटी जो यहाँ पे शो रहा था वो आपने बुक कर दिए, तो यहाँ पे आपकी आईटीसी भी बुक हो गई, लाइबिलिटी आईटीसी बुक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, और अगर हम इसको 3B में भी देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाएगा, ये देखिए आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, और ये आपका इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, जो भी अमाउंट आपका रिवर्स चार्ज के अंडर होगा वो आपका यहाँ पे शो होगा, ओके। तो अभी यहाँ पे हमने लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक्ड, अभी तो बुक मैंने कर दी है तो इसलिए वो मेरा यहाँ पे शो हो गया। अगर आप यहाँ पे भी नीचे शो रिपोर्ट ऑफ रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई में यहाँ पे लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक्ड के अंदर। तो चलिए अभी हमने बुक कर दी है, तो हम इसको बैलेंस शीट में देखते हैं कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी 9000 रुपीस लायबिलिटी शो हो रहा है, और ये रिवर्स चार्ज के अंडर मैंने पे किया है, पे करना है, तो वो मैंने एज अ करंट एसेट ले लिया, जो कि 9000 मुझे करंट एसेट में शो करेगा। जब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट कर देंगे तो आप यहाँ पे F5 पेमेंट ले लेंगे, और इसको आप लेंगे स्टैट पेमेंट। स्टैट पेमेंट करेंगे जब आप यहाँ पे जीएसटी ले लेंगे, आपने कौन से मंथ में पेमेंट करी है, 31 मई टू 31 मई, और यहाँ पे पेमेंट टाइप में आप ले लेंगे रेसिपिएंट लायबिलिटी, क्योंकि आपकी रेगुलर पेमेंट नहीं है, आपने रिवर्स चार्ज के अंडर पे किया है, तो यहाँ पे हम रेसिपिएंट लायबिलिटी ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे सीजीएसटी 4500 रुपीस, एसजीएसटी 4500 रुपीस। तो आप यहाँ पे कैश में जो भी आप लेना चाहते हैं, कैश में बैंक से आपने जैसे भी पेमेंट वैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक मैंने ले लिया एग्जांपल, बैंक का बैलेंस अभी मेरा माइनस में आ रहा है, वो आप अगर उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे तो वो आपको माइनस में शो नहीं करेगा। तो अभी हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं, और मैंने ये पेमेंट कर दी है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को आपने यहाँ यस कर लेना है, आपने कैसे पेमेंट करी है वो आप यहाँ पे ले लेंगे, इसको हम देंगे। पेमेंट आप जब बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ से नील हो चुका है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिए, बट आपका रिवर्स चार्ज 9000 रुपीज अभी आपका जब आपको रिसीव होगा दोबारा इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको मिल जाएगा रिवर्स चार्ज का। तो रिवर्स चार्ज तो आप जैसे भी पे करते हैं, जिस टाइम पे करते हैं उसी टाइम ही आपको साथ के साथ ही आपका रिफंड आपको मिल जाता है। तो हम ऐसे इसको शो करते हैं। देखिए आप यहाँ पे जीएसटी आर 3B के अकॉर्डिंग इसमें आप इसको शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने 3B में दिखाएंगे कि आपने रिवर्स चार्ज में पे किया इसको, और ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में साथ ही ऐड भी हो जाता है। तो ऐसे हम RCM अप्लाई करते हैं, जो हमारी सर्विसेज होती हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं और इनकी पेमेंट्स करते हैं, और जो पार्टी की पेमेंट है वो भी नॉर्मल आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं और सिंपल पेमेंट हो जाएगी। तो आप ये करके देखिएगा, जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।